एक्सरसाइज में सबसे पहले हम स्ट्रेचेस करेंगे, बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएंगे आपने, ऐसे अपने जो आर्म्स हैं यूं खड़े करके, हाँ ये मेरे साथ गड़बड़ हो जाती है कि मैं खड़ी इतना होती हूँ कि मैं खड़े गौर से सुन रहा हूँ आपको, बहुत गौर से बैठ जाएंगे। आपने जो अपने आर्म्स हैं यहाँ पर रख के ये पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करना है, गर्दन पीछे गिर गई तो यस पूरा स्ट्रेच। इसमें हम चेस्ट के मसल्स को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और बैक का जो वो आर्च है वो खत्म कर रहे हैं, वो जो स्लाउचीनेस है वो खत्म कर रहे हैं। ओके, यहां पर यू हैव टू इनहेल एग्जिट लाइक दिस 10 से 15 सेकंड, ये स्ट्रेट। इसी में एक दूसरी एक्सरसाइज है ये करके, ये स्ट्रेचेस है आपकी 10 से 15 सेकंड। हाँ अभी आप दोनों भी फ्रेश हो जाओगे, मसल हो रहे हैं थोड़े इधर अंगूठियों की वजह से। ये एक्सरसाइज आपने 10 से 15 सेकंड का होल्ड किया, पहले ये वाला स्ट्रेच वो कर लिया, और फिर ये वाला स्ट्रेच, एंड देन सेकंड ये वाला स्ट्रेच, ठीक है। अब इन तीनों स्ट्रेच में अगर आपने नोट किया तो मैंने चेस्ट के मसल्स को ओपन किया है। दीज एक्सरसाइज इज बेसिकली कॉल्ड चेस्ट ओपनर, कि हमने ये होल्ड करना है इस मसल को, बैक के मसल को स्क्वीज किया, चेस्ट के मसल को ओपन किया, ताकि जो हमारी स्लाउचीनेस है वो खत्म हो। ओके रिलैक्स, वरना थक जाएंगे, ठीक है। ओके सेकेंड एक्सरसाइज है, हमने थोड़ी सी हमारी कमर लोअर बैक जो है वो थक जाती है बैठ बैठ के, तो हमने लोअर बैक स्ट्रेच करना है थोड़ा सा सीट से, ऐसे आपने आगे होकर यहाँ पर हाथ रख के ये पूरा ट्विस्ट देना है। ये वाला हाथ किधर रखना है, इधर, ये देखो ट्विस्ट दे आपको शायद। ओके हलीमा ये देखें, आपकी जो प्लेसिंग पोजीशन है वो वहीं रहेगी, हाथ ये रखना है और ये बैक से ट्विस्ट देना है, तो आपको ओके ओके क्रैक्स की आवाज भी आएंगे और पूरा आपका ये एरिया स्ट्रेच होगा। देखो अब मुझे तो देखो, तुम उधर देखो। ओके यहां पर होल्ड करने के बाद दूसरी साइड से होल्ड करना है आपने, कुछ क्रैक्स की आवाज आ रही है आपकी, आई है हमारे में से है, आपकी क्रैक की आवाज है, अपना इलाज कराओ। ओके मेरे बहुत ज्यादा क्रैक की आवाज, मेरी टक टक की आवाज बहुत ज्यादा आती है। ये बेसिकली होता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो तो